أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Manifestations of stages of blessing The word of the wisdom volume 9 में हजरत अबू अनीस रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद बरकत अली फरमाते हैं पेज 41 के ऊपर 6 से 2 9 रूबिक के देर इज नो कुदरत परफ्यूम इन दी वहदत अल्लाह ताला के अलावा किसी में वहदत की कुदरत नहीं है। अल्लाह ताला जो है ये फैल भी जाता है, मतलब इसकी जो है वो करामात इतनी ज्यादा है कि ये जो है वो जर्रे जर्रे के अंदर जो है वो समाया हुआ है और जब इसकी जो है वो समेटना चाहता है अपने आप को तो वहदत में समेट लेता है। अल्लाह मेरी जो है वो क्लिनिक के सामने मेरे बिल्कुल जो है बड़ा सा एक अल्लाह लिखा हुआ है, तो ये अल्लाह की जो नूरुल नूर की जो है करामात इसमें के अंदर जो है अल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे जो है वो एक लफ्ज के अंदर समाया हुआ है और जब उसके जो है वो नामों का जिक्र करते हैं उनके करामात का जिक्र करते हैं देर इज कुदरत इतना बड़ा जो है कुदरत उसकी है कि अल अजीज हो गफार हो कहार हो मुतकब्बिर हो खालिक हो मालिक हो और जुलजलाल वाली कराम हो और बहुत ज्यादा नाम अल्लाह ताला के फैलते जा रहे हैं फैलते जाते हैं नूर उसका जो है वो हर तरफ फैला हुआ है और ये सारे जो है ये सिर्फ उसी की कुदरत है कि वो जो है सिमटना चाहता तो एक लफ्ज में सिमट जाता है और फैलना चाहता है तो दरिया पहाड़ समुंदर और जितनी भी चीजें हैं ये सारी उसकी कुदरत है। वो पहाड़ में भी नजर आते हैं अल्लाह ताला, हमें दरिया में भी नजर आते हैं अल्लाह ताला की कुदरत, आसमानों और जमीनों तक फैली हुई उसकी मखलूक ये सारा कुछ इसी का है। जब हम देखते हैं जर्रे जर्रे में अल्लाह ताला हमें नजर आता है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। आली साहब फरमाते हैं कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, इसलिए जो है अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो हर तरफ फैली हुई है और वो सिर्फ बहुत कुदरत वाला है। तो यूनिटी में भी आ जाता है और फैल भी जाता है, तो ये जो है वो अल्लाह ताला की जो है एक खास जो है कि अल्लाह एक है और उसकी जो है बेशुमार नाम बेशुमार करामते बेशुमार जो है उसकी जो है वो हियत है, वो हर जगह पे मुहित है, हय्यल कयूम है और उसकी जो है कुर्सी जो है वह आसमानों और जमीनों पे फैली हुई है। नॉर इज देयर एनी पार्टनरशिप, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई हिस्सेदार नहीं है, उसका जो है कोई पार्टनर नहीं है इस मतलब जो है इस काम के लिए। वो वाहद है जो बारिश पैदा करता है, वो वाहद है, वो वाहद है, यूनिटी है उसके अंदर जो है। हर काम जो है वो मौत देता है, इज्जत देता है, जिल्लत देता है, हर काम जो है उसी की कुदरत से होता है और उसके अलावा जो है वो कोई उसका हिस्सेदार नहीं है, एक अल्लाह है, वाहद यूनिटी। और जब वो फैलता है उसकी जो है कुदरत जो है वो पूरी दुनिया पे मुहित है, कुल आलम पे मुहित है, दोनों आलम पे मुहित है। दैट इज इट इज सिर्फ और सिर्फ वाहद उसकी जो खूबी है और किसी की खूबी नहीं। द सर्वेंट कैन नॉट बी कंपेयर्ड इट, कोई भी जो है वो बंदा इसका जो है मुकाबला नहीं कर सकता, इसको जो है अपना नहीं सकता, कोई भी बंदा जो है इसकी जो है वो नकल नहीं कर सकता और कोई बंदा जो है इसके जो है वो नहीं समझ सकता इन चीजों को, और ये सिर्फ और सिर्फ उसकी जात है, वह जात है। इट इज ओनली ट्रांसवर्सिस द जर्नीज बिटवीन द परफ्यूम एंड यूनिटी, कि ये जो है ये एक सफर है
यूनिटी और जो है बड़ी चीजों के अंदर देखें, आप जो यूनिटी को आपको थोड़ा सा मैं बयान करना चाहता हूँ, यूनिटी उसकी जो है अल्लाह ताला की कुदरत देखें। जब हजारों बारिश के कतरे गिरते हैं तो एक बारिश का कतरा जब सिपी में गिरता है तो वो मोती बन जाता है, तो वही उसकी यूनिटी है, हजारों कतरों में एक कतरा। और इसी तरीका से बहुत से पौधे बहुत से जो है वो गुटके देते हैं, अपनी गुटलियां देते हैं, अपने बीज देते हैं, फैल जाते हैं, वो पत्ते देते हैं, इतना बड़ा हो जाता है दरख्त, करोड़ों की तादाद में उसके पत्ते हो जाते हैं, अरबों की तादाद में उसके पत्ते हो जाते हैं। तो फिर वो पैदा किससे होता है? एक गुटली से पैदा होता है, खजूर की जो है वो, खजूर को ले लें, जामन को ले लें, किसी चीज को ले लें, एक गुटली से पैदा हो रहा है वो, इतना बड़ा दरख्त, यूनिटी। और उसके बाद उसकी जो है वो रबानियत और उसकी फ्लो कितना फैला हुआ है, उसका जो है वो रहमत, उसके करम और उसका फजल, तो यूनिटी से जो है वो आगे कितना ज्यादा जो फैल जाता है। तो जब हम उसके रहमत करम फजल की बात करते हैं तो सुभान अल्लाह, उसको जो है वो हम रहमतुल्लामीन उसकी जो है उसके जो है वो ज़ात को कह सकते हैं, रहमान कह सकते हैं, रहीम कह सकते हैं। तो यूनिटी से जो है इस तरीके से जो है फैल जाता है अल्लाह ताला की ज़ात, और कोई बंदा ऐसा काम नहीं कर सकता, कोई बंदे के अंदर ताकत नहीं है, हम उसको उसके साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते, उसके साथ उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बस वह ज़ात वो है जो ऐसी जो है वो यूनिटी में आ जाती है, और फिर जो है वो अपने आप को, उसकी कुदरत ऐसी है कि वो अपने आप को जो है वो छुपा के दोबारा जो है वो अपीयर हो जाती है। तो ये रब की ज़ात है, तो जो बंदा इसको समझ जाता है वो रब को जान जाता है। तो रब को जानना जो है वो एक बड़ी, बहुत बड़ी बात है। देयर इज द परफ्यूजन एंड द पार्टनरशिप, यहाँ पे जो है कुछ परफ्यूजन जो है किस चीजों में, पार्टनरशिप है किसी चीज में, कौन सी चीज में है जी? अल्लाह ताला की पार्टनरशिप किस चीजों में है, वो कौन सी चीजें हैं जी? उसमें सबसे पहले सलूक, उसले सलूक, और दूसरा है जी ऑब्स्ट्रक्शन, दाब, दबदबा। ये दो चीजें जो है इसमें अल्लाह ताला ने जो है वो आपको जो है वो पार्टनर बनाया है, जिसमें जो है वो जैसे कि हम अल्लाह ताला ने कुछ अपने बंदों को नाइब बनाया है, उसको जो है वो ये अख्तियारात दिए हुए हैं, लेकिन उसमें जो है वो फिलाओ जो है वो हमेशा यूनिटी के साथ ही रहता है। वहदत ज़ात उसी की है, उसी के दिए हुए जो है वो माल से जो है वो हम तमाम जिस्म को जो है वो कंट्रोल करते हैं, और असल में वो पार्टनरशिप जो रखता है ना, लेकिन वो अपनी कुदरत को तो बरकरार रखता है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा जैसे कि वयूतिल हिकमा में मन तशाओ व तुज्जो मन तशाओ व तुज्जो मन तशाओ, को मैं जिसको चाहता हूँ इज्जत दे देता हूँ, जिसको चाहता हूँ हिकमत दे देता हूँ। तो अपनी हिकमत से थोड़ी सी हिकमत जो है वो बाज़ुकात हमें भी ऐसे हमारे जैसे गुनाहगार लोगों को भी ताकत देता है। तो ये उसको देन है, ये उसकी रहमतें हैं, हम जो है वो ये हिकमत उसकी रहमतें हैं। तो वो उसका सलूक जो हम, वो जो हम बंदों से सलूक करते हैं, मरीजों से सलूक करते हैं, वो जो है वो ऐसी रहमत और सलूक, ये चीजें जो है वो कुछ रहमतें जो है वो हम पे निशावर भी कर देता है, लेकिन यूनिटी जो है उसके अंदर जो है वो अपने अंदर। तो ये जो है असल में Unity, we were told about कहता है, we found no parallel to it, हम जो है वो उसके मुकाबले, उसके जो साथ चलने वाली कोई चीज हमें नजर नहीं आती। ये जो है वो वहदत है, और उसकी वहदत के अलावा जो है कोई ऐसा
कोई ऐसा दुनिया में कोई ऐसी चीज ही नजर नहीं आती जो उसके मुकाबले पे हो। वो वाहद जात है और दुनिया में हमें नजर ही कुछ नहीं आता। वो अपनी रहमत से कुछ अगर हमें अता कर दे तो वो उसकी रहमत है हमारे ऊपर, लेकिन हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो बाज़ औक़ात जो है जब उसकी अता हो जाती है बंदे पे तो बंदा अकड़ के जमीन पे चलना शुरू कर देता है। तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि तुम जमीन को फाड़ तो नहीं लोगे, तुम जमीन के अंदर दल से जाओगे और घुस जाओगे, और फिर मैं तुम्हें जमीन यही तुम्हें ऐसी सजाएं देगी कि तुम जो है इसको महसूस करोगे। तो इसलिए जो है वो ऐसी चीजों को जो है वो नहीं करना चाहिए। गुड, तो हम जो है वो जब लोहे की इस्त्री से जो है वो अपने आप को दुरुस्त कर लेते हैं, लाइक ईटिंग स्वीट टू हार्ट, कि जब हम जो अपने दिलों को साफ कर लेते हैं ऐसी चीजें खा के जो है, और दिलों को मुनव्वर कर लेते हैं, कंटेंट जो है जब हमारे दिल साफ हो जाते हैं, हम जो है वो अपनी चीजों को साफ कर लेते हैं, कपड़ों को साफ कर लेते हैं, जैसे कि कपड़ों को इस्त्री किया जाता है, इस तरीका से जब हम कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि इवन द एनिमल वुड कंप्लाई व्हेन ऑर्डर्ड द प्रेसिंग ऑफ द इफ्स एंड बट्स। ये मुहावरा है बड़ा जबरदस्त किस्म का, ये सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है कि जिसमें जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम जानवर को हुक्म देते हैं और वो आपकी हुक्म की ताबेदारी करता है, और ऐसे ताबेदारी करता है कि जैसे कि जो है वो उस पे जो है वो कुछ कंडीशंस लगा दी जाती हैं, यानी कि तालीमी कंडीशन लगा दी जाती हैं और कुछ हदूद मुकर्रर कर दी जाती हैं। जैसे कि हमारे वजीर आलम को जब सेलेक्ट किया जाता है तो वहादत की जात जो है उसी की है, वो हमारा हाकम महकूम, हम उसके महकूम है, वो हमारा हाकम है, हाकम महकूम का सिलसिला जारी होता है। तो यही जो है ये उसकी हाकमियत और हम महकूमियत में है। तो उसकी दी हुई चीज को जो खदाए ममलकत जो है हमारे जो भी है, हिकमत है, हमारी दुकान है, हमारा घर है, ये सारी उसकी दी हुई चीजें हैं। तो हम फिर उसमें ऐसे अमल करते हैं कि जैसे कि हम अपने जानवरों को हुक्म देते हैं कि ये काम करो, और उसके लिए जो है वो जरूरी हो जाता है काम करना, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम जब तक जानवर को सिखाएंगे नहीं, मतलब घोड़े को अगर आप सिखाएंगे नहीं उसके ऊपर बैठेंगे तो वो आपको नीचे उतार देगा, जब उसको जो है वो आप सीधार लेंगे तो वो सीधा हो जाएगा और आपको जहां बिठा के जहां मर्जी आप उसको थोड़ी सी क्लिक करेंगे तो जहां मर्जी वो आपको ले जाएगा। तो इस तरीका से जो है ये सिलसिला जो है वो जारी रहता है। तो हमें जो अल्लाह ताला जो है वो हमें अपनी मोहब्बत, अपनी शफकत, अपनी नवाजश से हमें नवाज दे, तो अल्लाह ताला के दरबार में जो है वो उसकी यूनिटी में कोई कमी नहीं आएगी। तो ये उसकी रहमतें हैं सारी, ये उसके कर्म है सारे कि वो हमें जो है ऐसी चीजों से नवाज दे। तो हम जो है वो बात कर रहे थे तो उसमें इंटरप्शन हो गई थी थोड़ी सी, तो हम सुजाक की बात कर रहे थे। सुजाक के अंदर जो हमने बात की कि ये जो है मर जो है ये गाइनोकॉकस की वजह से होता है। गाइनोकॉकस एक बैक्टीरिया है जो कि बड़ा खतरनाक बैक्टीरिया है, और ये गाइनोकोकाई ग्लोरिया भी इसको कहते हैं। तो ये जो है हमने मर्दों की उस दिन बात की थी, आज थोड़ी सी औरतों की बात करने के बाद जो है वो हम काक्षक की बात करेंगे। तो औरतों में भी जो है वो सुजाक का मर्ज होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। जब जो है औरतों से मर्दों में ट्रांसफर हो जाता है और मर्दों से औरतों में ट्रांसफर होता है, ये जो है वो इसीलिए कहते हैं कि एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो है एक दूसरे से जो है ट्रांसमिट हो जाती है मर्दों से औरतों में। जितनी भी हम डिजीज पढ़ रहे हैं एसटीडी जो है वो एक दूसरे से ऊपर जो ट्रांसफरेबल है, एक दूसरे से जो है वो ट्रांसमिटेड हो जाती है, एक से जो है वो अगर मर्द को हुई है तो औरत को हो जाएगी, जब औरत को हुई है तो मर्द को हो जाएगी। इस तरीका से जो है दोनों को जो है ये प्रॉब्लम जो है हो सकती है, और ये वाला जो है एच आई वी पॉजिटिव
और ये जितना भी एड्स पॉजिटिव और ये जितने भी ये प्रॉब्लम जो है ये हम इनको डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होते हैं, और औरतों में क्या अलामत होती है वही जो मर्दों में होती है। लेकिन और ये जो है बिल्कुल इसी तरीका से होते हैं, ज्यादा खतरा मसाना और पेशाब की नाली मुतासर होती है, बल्कि इनके हालात में बच्चे के वलादत हो जाने पर जो है वो आंखों में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हो जाते हैं। और इसी तरीका से जो है वो आजकल इन्फेक्शन तो आंखों की वैसे ही बहुत ज्यादा है, हर बंदे को, हर तीसरे बंदे को जो है वो वायरल इन्फेक्शन है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, पाकिस्तान के अंदर भी आ चुका है और बहुत से स्टूडेंट जो है वो आजकल से भी गायब है और ये डिस्पेंसर क्लास में भी गायब है। और ये बहाना क्या है जिनका, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ तीनों जगहों से गायब है, मतलब अकेडमी से भी गायब है, तो बहाना क्या है जी, मेरी आंखें आ गई। तो हमारे कुछ टीचर्स की भी आंखें आ गई है, कुछ डॉक्टर हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं जो मेडिकल ग्रेजुएट उनकी भी आंखें आ गई। तो अगर वो मतलब इतने ही काबिल है तो वो उनकी आंखें क्यों आ रही है? तो वो फिर वो अजीब जो है ये वो ऐसे ही अपने आप को पता नहीं क्या खुदा समझ के बैठे हुए हैं वो, अल्लाह उनको जो है हिदायत दे। तो शिफा सिर्फ उन्हीं के हाथ में है, किसी हकीम के हाथ में नहीं है। उनके ये दावे हैं तो जिसकी वजह से मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे साथ बैठ के वो इस किस्म के जब दावे करते हैं कि शफा हमारे पास है, मैं कहता हूँ कि शफा अल्लाह के पास है। तो ये जो जितनी भी जो ये इनकी मेडिसिन अंग्रेजी मेडिसिन है उनमें शफा नहीं है, शफा अल्लाह देता है। हमें वो क्वैक कहते हैं, बल्कि खुद क्वैक है। मैं आंखों में इन्फेक्शन पैदा होने का अंदेशा होता है और इसी वजह से जो है बहुत से मुल्कों के अंदर जो बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद आंखों की जो है खसूसी अद्वियात जो है इस्तेमाल करवाई जाती है, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट का महलूल जो है इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इसी तरीके से एक लड़की जब इसी हालत में जब की जो है वो जाइनल इन्फेक्शन और इस तरह यूट्रस इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा जो चांसेस होते हैं। औरतों में बीमारी जो है वो आस्ता आस्ता जो है वो सेहतमंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर वो इन्फेक्शन में जो है वो सफाई का ख्याल रखें और अपने आप को मुकम्मल सेहतमंद करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से वो एंटीसेप्टिक लोशन का इस्तेमाल करें। यहाँ तक बाज़ुकात हो जाता है कि अगर ये नहीं करते एंटीसेप्टिक लोशन, ये KMN4 एक बहुत जबरदस्त दवाई है, बड़ी सस्ती सी दवाई है जिसको लाल दवाई भी कहते हैं। तो ये बेहतरीन किस्म के एंटीसेप्टिक है। तो इसको जो है औरतों को खास तौर पे जब भी मतलब वाशरूम जाए तो इसमें जो डोश भी कर लें और इसको इस्तेमाल भी करें सफाई के लिए, तो बहुत मुफीद है। तो ये नेचुरल आप समझे कि एंटीसेप्टिक है। इसी तरीके से जो है ये यहाँ तक सुधार हो जाता है कि यूट्रस से जो है काजफ नालियों के अंदर यानी कि फ्लोबिन ट्यूब के अंदर पहुंचने के 90% चांसेस बन जाते हैं। और जब 90% चांसेस फ्लोबिन ट्यूब के अंदर चले जाती हैं तो बाज़ुकात काजफ हमल जो है यानी कि टॉपिक प्रेगनेंसी जो है वो काजफ नालियों के अंदर भी हो जाती है और वो इंतहाई खतरनाक होती है। और मैंने बहुत से CP के मरीज ऐसे देखे हैं कजन मैरिज के अंदर, और CP के मरीज मैंने देखे हैं उनको यही मसला है। वो जितनी अल्ट्रासाउंड भी आ गई है लेकिन फिर भी वो अबॉर्शन नहीं करवाते, फ्लोबिन ट्यूब फट भी जाती है, उसकी वजह से भी जो और भी बहुत से मसाइल जो है वो पैदा हो जाते हैं। लेकिन जो है वो ऐसा बच्चा जो है वो जन्म देते हैं जो कि ना ही दुनिया का है ना ही आखिरत का है। तो अल्लाह ताला हमें जो है वो ऐसी मुसीबत से जो है वो हमेशा बचा के रखे। तो इसमें जो है सजाक से जो निजात हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाती है, बड़ी शदीद दर्द होती है और जो है इस कदर से दर्द होती है कि ये जो है वो फ्लोबिल ट्यूब जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसी तरीके से यूट्रस की जितने भी प्रॉब्लम है और इन्फ्लेमेशन है और दीगर जो है वो सुजाक की वजह से पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सुजाक का जो है मर्दाना जैसे हमने इलाज किया बिल्कुल वैसे ही जनाना इलाज है, लेकिन मैं इसके लिए जो है ज्यादातर डोज चीजों को करवाता हूँ, डोज से जो है और इसके बाद जो है कुछ
फर्जिजा जो है वो इस्तेमाल करवाता हूँ, जिसमें जो है वो आजकल के दौर में फर्जिजा तो नहीं इस्तेमाल होता, असल में हम पुराने दौर के लोग हैं तो हम तो वो ही चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन आजकल इसको जो है वो नया नाम दे दिया गया है, सपोजिटरी का नाम जो है ये इस्तेमाल किया गया दे दिया गया है। तो एक ही बात है उसमें जो है ये अब ट्यूब के जरिए जो है वो उसको जो है वो दवाई को इस्तेमाल किया, हम पोटली के जरिए इस्तेमाल करते थे दवाई को, जिसमें खुश्क अद्वियात जो है वो हम इस्तेमाल करवाते हैं, जिसमें हल्दी शामिल है और इस किस्म की दीगर अद्वियात जो है वो शामिल है, जो हम जो है वो औरतों को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, औरतें जो है वो खुद ही उसको जो है वो अपने इस्तेमाल कर लेती हैं, और ख़ास तौर पर जो है वो एंटीसेप्टिक लोशन जो है जिसके अंदर KMnO4 जिसको जो है वो पोटाशियम पर मैग्नेट कहते हैं, वो जो है वो लाजमी मैं इस्तेमाल करवाता हूँ, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, इन्फेक्शन कम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और उसको सुकून मिल जाता है, गर्म पानी से डोश करने से उसमें KMnO4 डालने से जो है बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, और ये जो है वो मर्ज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है मरीज की जान छोड़ देती है। सफ़ेद खून भी आदमी इस्तेमाल करवाता हूँ, इसके लिए मजूर शुबा इस्तेमाल करवाता हूँ, त्रिवट छात्रा इस्तेमाल करवाता हूँ, गुलमुंडी इस्तेमाल करवाता हूँ, और उसके साथ जो है ये कुछ मुसफ़ी खून और हम सफ़ी गोलियाँ हैं जिसका फार्मूला जो है आप जानते हैं वो मैं इस्तेमाल करवाता हूँ, और इसी तरह सोजक जो है वो जैसे मर्दों को इस्तेमाल करवाता हूँ, इसी तरीके से सफ़ूब जो है करछी का वो औरतों को भी इस्तेमाल करवाता हूँ। तो इस तरह से जो है यूरोसलाल शरबत और ये शरबत मधूरी जो है का इस्तेमाल करवाता हूँ, डोश लाजमी करवाता हूँ मुख्तलिफ चीज़ों से जो है, जिसमें हल्दी जो है वो भी शामिल है, तेल शामिल है, और उसमें जो है बहुत से एंटीसेप्टिक लोशन जो है जैसे कि नीम के पत्ते हैं, और इसी तरीके से जो है ये फटकड़ी जो है वो भी मैं इस्तेमाल करवाता हूँ डोश करने के लिए, खाने के लिए नहीं देता हूँ कभी, खाने से जो है फायदा तो होता है लेकिन उसमें जो है वो बाज़ जो है वो नुकसान हो जाते हैं जिसकी वजह से मैं इस्तेमाल नहीं करवाता हूँ। तो लेकिन हम आज से कुछ शुरू कर लेते हैं, टाइम कम होने की वजह से हम जो है इसको थोड़ा सा जो है वो इसके बहुत से नाम है आज से कि एक नाम नहीं है, इसे जो है वो फ्रंग या पंजाबी गर्मी भी कहते हैं, और इसको जो है बाज़ का जो ये फ्रंग डिजीज कहते हैं, यानी कि जो अंग्रेज हमारे अंदर जो है वो डिजीज लेके आए हैं वो उसको भी कहते हैं। तो ये सुजाक की तरह एक मुतद्दी मर्ज है, अंग्रेजी में सुजाक और आदसिक जो है वो को वेजल डिजेंट जो है वो डिजीज कहते हैं, यानी कि वेंजरल डिजीज कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वेंजर का मतलब मोहब्बत की देवी यानी कि वेनस के नाम से अखद किया गया है, यानी कि दरअसल ये वेनस का जो है वो के साथ नानसाफी है, क्योंकि जिसे प्यार किया जाता है इसे जो है वो बीमारी तो नहीं दी जाती, अलबत्ता जिससे प्यार नहीं होता तो वो जरूर बीमारी में मुबतला करती है। तो इसलिए जो है ये वेंजल अमराज के अंदर जो है वो हर एक जो है वो हैपर्स एज वगैरह जो है वो ऐसी खतरनाक बीमारियां भी शामिल है जिनका कोई इलाज जो है वो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। अक्सर अमराज का जहर जो है वो बीमार मर्द और जो दोनों में जो है वो आपस में मिलने से जो है वो लग जाता है। तो इस तरीके से ये बहुत खतरनाक मर्ज है, और ये जो है ऐसी मर्ज है कि जिसमें जो है बहुत ज्यादा ये खानदान में आगे फैलती है, इसकी बहुत सी जो है वो आगे किस्में है और इसमें जो है वो फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये सिर्फ एक ही जो है वो किस्म की नहीं है बल्कि कई किस्म की जो है वो आर्थिक है, तो इसमें जो है वो जरासीम भी जो है वो कई किस्म के शामिल है जिसमें जो है वो ज्यादातर बैक्टीरिया जो है शामिल है। तो ये छूत की बीमारी है, इसको हम छूत की बीमारी भी कह सकते हैं, ये एक दूसरे को लग सकती है। छूत जो है वो हम बदचलनी से या हरामकारी से भी जो इसको हम हासिल करते हैं, मर्द से औरत को लगती है, जिसमें जो है वो फ्रंट के अंदर जो है वो यानी कि वजाइना के अंदर दोनों जो है वो किनारे में आपसी जख्म हो जाते हैं।
मेरे पास एक छोटी सी बच्ची आई, 2-3 साल की, 2 साल उम्र थी, तो उसको ये मतलब बीमारी थी, तो उसको मतलब वालदैन को ये होगी, तो पता नहीं कैसे उसको जो है वो मेरे पास आई, तो अल्लाह का शुक्र है उसको अल्लाह ने शफा दी। तो ये छोटे छोटे जो है ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो है, तो दोनों लबों में आज से जख्म नमदार हो जाते हैं जब मर्द, जब औरत से जो है वो मर्द को लगती है तो अज़ाए तनासल के पिछले हिस्से में जख्म हो जाता है। ये बीमारी जो है वो बीमार के कपड़ा लगने से भी हो जाती है, यानी कि जरासीम जो है ये एक दूसरे से ऐसे ट्रांसफर हो जाते हैं कि जब एक दूसरे का कपड़ा लगता है, कपड़े के ऊपर ये जरासीम चले जाते हैं, तो ये जसूमा जो है ये ट्रांसफर हो जाता है। तो ये इसको जदीद तहकीक के मुताबिक जो है आदशी जो है ये पैदा करने वाला एक जसूमा है, बैक्टेरिया है, जिसको जो है वो एस्पैरोकैक्टा बेलडा कहते हैं, बेलडा कहते हैं। तो ये जो है एक बैक्टीरिया है, ये तंदुरुस्त हो जाने के बाद भी जो है ये जिस्म के अंदर जो है मौजूद रहता है। तो आदशी के बहुत से मरीज जो है वो आते हैं जिसमें मर्द मर्द और दोनों शामिल होते हैं, तो इसके कुछ अलामात जो है फौरी तौर पर जब हम देखते हैं मरीज को, तो उसमें जो है ये खास तौर पे पेशाब वाली नाली से और के ऊपर जख्म होते हैं, और पूरा जो है यहाँ पे जो है जो एरिया होता है खास तौर पे इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा अजीब किस्म का जख्म होता है, उसमें पीप निकल रही होती है, बू आ रही होती है, फिंसियाँ होती है इसके ऊपर जो है वो छूत लगने से 3-4 हफ्ते के दरमियान जो है छूत की जगह पर एक फिंसी निकलती है, खास तौर पे जो पीनस है उसके आखिरी हिस्से में जो है ये फिंसी जो है वो निकलती है। तो ये जो है आगे जो है वो मजीद फिंसियाँ जो है बनने के जो चांसेस हो जाते हैं। आजकल ज़्यादा जो पूरे जिस्म में फैल जाता है, फिंसियाँ जो पूरे जिस्म में जो है वो पैदा हो जाती है। इसकी निशानी ये होती है कि ये सुर्ख होती है, बड़ी शदीद दर्द करती है, और इसे थोड़ी सी पीप होती है, बहुत ज़्यादा पीप नहीं, जैसे कि बहुत बड़े जो बॉयल होते हैं ऐसे ही, ये छोटी छोटी सुर्ख रंग की फिंसियाँ होती हैं और ये पूरे जिस्म पर फैल जाती हैं, और इसमें जो हल्का सा पीप जो है वो पैदा होता है, दर्द बिल्कुल नहीं होता, पहले तो दर्द नहीं होता, अच्छे का जहर जो है सारे बदन में फैल जाता है, दर्द बिल्कुल नहीं होता, ज्यादा पीप खारिज होती है, चंद रोज के बाद जो है वो लिम्फ ग्लैंड जो है जो कंजेराल की गिल्टियां भी हम इसको कहते हैं, तो ये जो है मतवरम हो जाती है, यानी कि लिम्फ नोड जो है वो स्वेल हो जाते हैं, तो इनमें दर्द नहीं होता। ये गिल्टियां जो है बंदूक की गोली जैसी सख्त होती हैं, यानी कि जो लिम्फ नोड है हमारे इलिक फोसा के अंदर, दोनों लेफ्ट और राइट इलिक फोसा के अंदर, वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, तो इनमें जो है वो पीप नहीं पड़ती, बल्कि जो है ना ही जख्म होता है। तो इसमें जो है वो हमें जो है वो 2 किस्म की सुजाक से जो है वास्ता पड़ता है, खुद हासिल करदा सुजाक और मुर्शी आपशिक, सॉरी आपशिक जो है 2 किस्म की होती है, एक जो है वो विरासत से इनहेरिटेंस से मिलती है और दूसरी हम खुद हासिल करते हैं। खुद हासिल करने का मतलब ये है कि हम जो है वो किसी भी आर्थिक ज्यादा जो है वो जिसके अंदर आर्थिक मौजूद हो, वो मर्द हो या औरत हो, मतलब जिसमें ना मौजूद हो, जब उसके साथ जो है वो कंटेमिनेशन करता है, उसके साथ मिलता है, तो ये जो है 4-5 दिन के अंदर जो है वो अपना काम दिखाना शुरू करते हैं। बहुत से बच्चे आते हैं जी, आजकल तो ये इतना केस जो है बढ़ गया है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, मतलब हर तीसरा बंदा जो है वो इसी सिलसिले में आता है या आशिक या सुजाक में, मतलब उनको जो पीप आ रही होती है, सोजिश हुई होती है, वर्म हुआ होता है पेशाब की नाली के अंदर और ये पेशाब की नाली के ऊपर, तो ये वाला जो है जख्म वो हमें जो है वो बाद बच्चे दिखा देते हैं। तो बच्चों में ये बहुत ज्यादा टीन एजेस के अंदर जो है, टीन एजेस जो है वो पता नहीं कहाँ से ये लेके आ रहे हैं। तो मैंने 90% केसेस जो है वो देखे जिसमें जो है वो आर्थिक के बहुत ज्यादा जो है कंटेमिनेशन जो है वो खुद हासिल करता केसेस जो है वो मौजूद है। तो इस तरीके से जो है अल्लाह ताला हमें जो है बचाए, अल्लाह ताला जो है हमें ऐसे गुनाह से बचाए और ऐसी औरतों से मर्दों को मिलने से और ऐसे मर्दों को औरतों से मिलने से जो है अल्लाह ताला निजात दे। तो इस तरीके से हम जो है वो इस चीज से बचने की कोशिश करें कि हलाल हलाल है, हराम हराम है,
तो इसलिए हम जो है वो कभी भी ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिसकी आने वाली नस्ल को हम तबाह कर रहे हैं। और ये जितनी भी अपने जो इसमें जो बच्चा पैदा होता है, खास तौर पे आशिक और सुजाक के दोनों लोगों के अंदर जो है ऐसे अफराद के अंदर, तो अल्लाह उसको जो है वो, मैंने जितने भी बच्चे सीपी के देखे हैं, सेरेब्रल पैरालिसिस के या और इस किस्म के डिजीजेस के जो है वो बच्चे देखे हैं, जिसमें जब बहुत ज्यादा जो है ये आशिक और सुजाक की अलामत जो है वो मौजूद होती है, आंखों के अमराज उनमें मौजूद होते हैं, और उसके बाद दांतों के अमराज मौजूद होते हैं, कानों के अमराज मौजूद होते हैं, जिल्द के अमराज तो बहुत ज्यादा होते हैं कि वो जो है वो सोराइसिस टाइप उनको जो है वो होता है, तो वो इस किस्म के जो है वो मरीज आते हैं मेरे पास, तो उसमें जो है वो जब ये हम डायग्नोसिस के अंदर जो है वो आशिक या साइकोसिस दोनों को हम जो है ये जब देखते हैं, तो ये सेफलिस है ये साइकोसिस है, तो इंतहाई दुख होता है और अल्लाह से माफी मांगने को दिल करता है कि अल्लाह ताला हमें माफ कर दे और हमें जो हमारे ऐसे लोग जो ऐसे गुनाहगार बन जाते हैं उनको भी अल्लाह माफी दे, तो अल्लाह ताला हमें जो है वो ऐसे अमराज से बचाए और हमें जो है वो बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारी नई नस्ल को जो है टीन एजर्स को जो है वो ऐसी चीजों से जो है वो करीब न जाने दे, तो अल्लाह ताला जो है वो मेरे हाथ में अपनी हिकमत जो है वो जो अता हुई हुई हिकमत में अल्लाह ताला ऐसे मरीजों को शफाए कामला जो है वो अता फरमाए। तो हमने सिलसिला शुरू किया था लेकिन टाइम की कमी की वजह से हमने वो सिलसिला ब्रेक डाउन कर दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो बयान करना चाहते थे तो वो हम नहीं बयान कर रहे, तो बुलंद एक होता था गर दान सरसार, तो इससे बड़क उठता था मुल्क सारा। तो इस तरीके से जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वलादत इन हालात में हुई, तो कैसी ये हालात थे ये जो हाली साहब ने अभी बयान किए हैं, हो बकर और तगल्लब की बहम लड़ाई, किसी की भी लड़ाई होती थी सदी जिसमें आदि उन्होंने गवाई, तो इस तरीके से वो लड़ते लड़ते जो है वो अपना वक्त जाया करते थे, कबीलों की कर दी थी जिसने सफाई, थी एक एक आग के सर अरब में लगाई, तो इस तरीके से जो है अरब में अजीब किस्म के जो है वो माहौल था, ना झगड़ा कोई मुल्क को दौलत का था, वो करिश्मा एक की जहालत का था, वो जहालत में लोग रहते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जाहिल कौम को जो है वो हदायत जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो उनको नसीब हुई, तो अल्लाह ताला हमारी कौम जो बेरहमी का शिकार है, अपने जो है वो गलत कामों का शिकार है, अल्लाह ताला उनको भी हदायत और उनको जो है वो सही रास्ते पे चलने की और हलाल कामों की जो है वो तौफीक अता फरमाए और हमें जो है वो बुरे आदत से बचने की तौफीक अता फरमाए। मैं डॉक्टर साहब को बहुत मशकूर हूँ और अपने दोस्तों और भाइयों का बहुत शुक्रिया सर।